नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की तरफ। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,658 नए केस सामने आए हैं, वहीं 496 लोगों की मौत हुई। कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी नेतृत्व से कहा है कि उन्हें फैसले लेने की आजादी दी जाए, नहीं तो वह मुंह तोड़ जवाब देंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली में 6 से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। ऐसा 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं, जबकि दूसरे चरण में 8 सितंबर से 6 से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को ऋषिकेश से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण रानी पोखरी पुल टूट गया है, जिसके कारण देहरादून से ऋषिकेश जाने वाला यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर तंज, बीजेपी ने नौकरी देने के झूठे होर्डिंग लगवाए। मौसम विभाग ने भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के आज 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 32,801 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 170 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। काबुल एयरपोर्ट का संचालन कर सकता है तुर्की, तालिबान संग हुई बातचीत। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी भवीना पटेल ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।